हेलो हेलो मेरे भाई बहनों, सभी कैसे हो आप लोग? को तो फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है और मैं आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ में। तो जी अभी मैं नहा के जस्ट किचन में ही आ गई हूँ। अभी मैंने पूजा भी नहीं की है क्योंकि हस्बैंड जी को जल्दी जाना है, आज दो दिन से वो ऑफिस नहीं गए हुए हैं। सैटरडे को उनका व्रत था और संडे छुट्टी थी, तो मंडे को भी थोड़ी सी उनकी तबीयत ख़राब थी इसीलिए वो ऑफिस नहीं गए थे। तो बोल रहे थे आज मैं जल्दी जाऊँगा, तो नहाने जा रही थी उसके पहले ही मैंने चना दाल और साबुत उड़द को मैंने रात में ही भिगा दिया था, तो इसलिए सुबह जल्दी से धुल के और फिर उसके बाद मैं नहाने चली गई थी भिंडी और चने दाल को धुल के, क्योंकि भिंडी को भी धुल के थोड़ी देर के लिए रख दो ना तो इसके सारे पानी निकल जाते हैं और फिर ये काटने के बाद इसमें ऐसे लसलसापन नहीं रह जाता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाती है भिंडी में। और उसके बाद मैंने चना उड़द चढ़ा दिया, उसमें सिर्फ नमक और पानी डाल के, क्योंकि उसका तड़का मैं बाद में लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं भिंडी को काट ले रही हूँ और भिंडी को काटने के बाद इसमें मैं आलू भिंडी बना रही हूँ। पति देव को आलू भिंडी नहीं अच्छी लगती है लेकिन मुझे आलू भिंडी बहुत पसंद है, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो मैं चना दाल ही लेके चले जाऊँगा और तुम आलू भिंडी खा लेना। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप भी खाइएगा अच्छा लगेगा, सिर्फ आपको भिंडी भिंडी दूँगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल में तड़का, तो मैंने सबसे पहले डाली है मेथी, उसके बाद लहसुन और मिर्ची और अब उसके बाद डाल रही हूँ मैं प्याज। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भूनूंगी, थोड़ा सा ही भून के इसमें भिंडी डाल दूँगी, क्योंकि प्याज भूनते भूनते अभी भिंडी के साथ ही भूनते भूनते काफ़ी जल जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही प्याज को भूनती हूँ। और यहाँ पर मैंने आलू भी डाल दिया है, इन सबको मैं ढक दूँगी और ये मैं बना रही हूँ दाल के लिए तड़का। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है अदरक लहसुन मिर्ची, इन सबको मैं चॉप कर लूँगी और इसके साथ में दो टमाटर एक बड़ी सी प्याज। और जब तक ये सब हो रहा था तब तक पतिदेव भी फ्रेश होके आ गए थे, ब्रश मंजन उनका भी हो गया था, तो अभी मैंने सबके लिए चाय बना ली है। और ये देखिए मेरी भिंडी अच्छे से भून के बढ़िया सूखी सब्जी, जैसे कहते हैं ना भुनी हुई भिंडी आलू, तो वैसे ही तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल और घी ले लिया है कढ़ाई में और उसके बाद मैंने दो तेज़पत्ता और तीन लौंग डाल दिया है और उसके बाद मैंने अदरक लहसुन प्याज जो चॉप करके रखा था उसे डाल दिया था। जब वो पक गए तब मैंने डाल दिया इसमें प्याज। उसके बाद मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ क्योंकि चना और उड़द की दाल है तो हींग बहुत ज़रूरी होती है। और जब सारे मसाले पक गए, सारे तड़के मेरे पक गए, मसाले नहीं तड़के, तो मैंने डाल दिया है टमाटर और उसको डालने के बाद मैंने डाल दिया है इसमें हल्दी पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा दाल मखनी मसाला मेरे पास था तो मैंने उसको भी डाल दिया, क्योंकि चना और उड़द दाल है तो दाल मखनी मसाला बहुत अच्छा लगता है इसमें, एकदम दाल मखनी जैसा टेस्ट आता है। और मैं जब भी बनाती हूँ तो डालती हूँ, अगर आप लोग नहीं डालते तो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए मेरी दाल एकदम अच्छी सी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम डाल ली हूँ दो चम्मच और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा दाल में। मैं जब भी बनाती हूँ तो मसूर दाल, उड़द दाल या चने दाल मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन सबका फ्लेवर। तो आप लोग भी अगर खाते हैं तो प्लीज़ डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है इसका। इसके आगे आप दाल मखनी भूल जाएंगे, अगर इस बार इस तरीके से एक बार दाल बना के देखेंगे ना तो दाल मखनी खाना भूल जाएंगे। और यहाँ पे मैंने उनकी थाली भी लगा ली है, रेडी हो गए हैं और उनके लिए मैं लगा दे रही हूँ खाना, क्योंकि अभी उनका बिल्कुल खाना खाते उनको टाइम नहीं लगता है, जितनी देर में टिफ़िन पैक करती हूँ उतनी देर में वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं उनकी टिफ़िन भी रेडी कर रही हूँ, मैंने रोटी दाल और सब्जी रख दिया है और अभी सलाद में ले जा रहे हैं खीरा, क्योंकि एक टिफ़िन बहुत फंसी हुई है उसमें मैंने थोड़े से मसाले पीस के रख दिए थे, नहीं तो मैं मिक्स वेज रायता बनाने वाली थी लेकिन वो टिफ़िन ही नहीं खाली थी तो सिंपल इनको खीरा ही देना पड़ रहा है। और यहाँ पे इनकी टिफ़िन रेडी हो गई तो वो जी चले गए हैं ऑफ़िस और उनके ऑफ़िस जाने के बाद हम पी लिए हैं एक कप कॉफ़ी, तो थोड़ी सी मुझे एनर्जी आ गई है। तो अब चल रही हूँ मैं साफ़ सफ़ाई करने, यहाँ घड़ी के पास ना थोड़े से जाले लगे हुए थे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, और जिस कबर्ड पे मैं चढ़ के बैठी हूँ ना इस पे एक बहुत बड़ी सी चौकी रखी रहती है, आप लोगों ने वीडियो में देखा ही होगा, तो उस चौकी को भी मैं धुलूँगी क्योंकि उसकी भी मुझे ज़रूरत है अभी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए मैंने उसको उतार लिया है। और जो सामान एक्स्ट्रा रखे हुए थे उन सबको मैंने नीचे रख दिया है और अभी यहाँ पर मैं जाले छुड़ा के और इस घड़ी को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो मैं इंतज़ार कर रही थी फ़ैन ऑफ होने का, कहीं झाड़ू लग गई तो फ़ैन की डंडी में तो दिक्कत हो जाएगी, तो अभी सिस्टर ने, छोटी सिस्टर जो है मेरी, उन्होंने फ़ैन ऑफ कर दिया है और अब मैं इसको साफ़ सफ़ाई कर लेती हूँ उसके बाद घड़ी लगा दूँ, क्योंकि घड़ी एकदम रेड कलर और थोड़ा सा ब्लैक में है तो जैसे ही थोड़ी सी धूल मिट्टी पड़ती है ना वैसे बिल्कुल गंदी गंदी सी लगने लगती है। और ये जो खिड़कियाँ ऊपर दिख रही हैं बड़े बड़े, इनसे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, हमने पर्दे तो लगवा रखे हैं लेकिन धूल मिट्टी आने के लिए अभी बहुत जगह है, तो यही मैं सब साफ़ सफ़ाई कर रही थी। और ज़्यादातर मैं विशेषकर इस घड़ी के लिए मैं चढ़ी थी ऊपर, क्योंकि घड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और ये पहला वाला रूम था तो जो लोग भी आते हैं सबसे पहले इसी रूम में घुसते हैं तो फिर दूसरे रूम में जाते हैं, तो मैंने कहा इसकी साफ़ सफ़ाई कर दूँ थोड़ा सही लगने लगे।
और उसके बाद अब मैं नीचे उतर आई हूँ, तो सबसे पहले मैं इस कबर्ड को भी थोड़ा सा रगड़ वगड़ के साफ़ कर दूँ, क्योंकि उसके ऊपर भी डेली सफाई नहीं हो पाती है तो मिट्टियाँ बैठ जाती हैं। तो पतिदेव तो लंबे हैं, उनको दिखाई पड़ती है तो वो ज़रूर डांट देते हैं कि यहाँ सब नहीं साफ़ सफ़ाई कर पाती। मैं छोटी हूँ उनसे तो मैं नहीं देख पाती, तो जिस दिन डांट पड़ती है कि इसको भी कर लो, उसी दिन हो जाती है फिर साफ़ सफ़ाई। वैसे करती हूँ लेकिन डेली नहीं हो पाता है, डेली झाड़ू पोछा सुबह सुबह जल्दी जल्दी हो गया, कबर्ड ओवर्ड पे नहीं हो पाता है, लेकिन हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है कि डांट पड़ जाती है फिर सब क्लीन हो जाता है। तो अभी कबर्ड को साफ़ करने के बाद मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया, अभी अंदर से मुझे साफ़ करनी है, तो आजकल मैं अंदर से फ्रिज को क्लीन करूँगी। मैंने अभी आप लोगों के साथ फ्रिज की क्लीनिंग एक बार भी शेयर नहीं की है, वैसे कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। ऐसा दिन होता है ना कि जिस दिन मैं कोई विशेष काम करती हूँ, मेरा काइन मास्टर ही नहीं एडिट करने देता मेरी वीडियो को, तो इसी वजह से फिर अभी दो तीन दिन से मेरा फ़ोन भी ख़राब चल रहा था और बहुत सारी प्रॉब्लम मैं झेल रही थी, इसलिए कोई भी वीडियो नहीं जा पाई। और यहाँ पे जो कबर्ड के ऊपर एक्स्ट्रा सामान रखे थे, ये सूप वूप अभी मैंने ठंडी में बहुत सारे गेहूँ साफ़ किए थे, तो अब इन सब की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इन सबको ऊपर रख दिया। और फिर पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है, और अभी यहाँ पे मैं ये सारे पावदान को साफ़ कर दूँ, उसके बाद क्योंकि इसमें ना बाल बहुत फंस जाते हैं, अगर बाल कंघी करो तो फंस जाते हैं, तो जब भी पोछा लगाने का टाइम होता है मैं इनको धुल के ऐसे टांग देती हूँ तो सब सूख जाते हैं। और उसके बाद ये देखिए, ये बड़ी वाली चौकी है जिसको मैं धुलने की बात कर रही थी, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इस पर बहुत अच्छी प्लाई लगी हुई है, क्योंकि इस पर मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ, पापड़ चिप्स कोई भी चीज़ बनाती हूँ, तो मुझे पॉलीथीन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं लगती है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। मैंने बनवाया भी इसीलिए था क्योंकि एक बार मैंने शायद वाईटी पे ही किसी को देखा था कि ऐसे ही प्लाई वाले उनके पास तखत थे बहुत बड़े से, तो वो उसी पे साबुदाने के पापड़ बना रही थी, तो इसीलिए मैंने भी इसको बनवाया था कि मेरे दो काम में आ जाएंगे। एक मैं जब भी मेरे पास वो आता है ना, क्या कहते हैं उसको, कजरी तीज, तो मैं नीचे रख के कजरी तीज की पूजा करती हूँ इसी पे चौकी पे बड़ी वाली पे। और फिर मैंने दूसरा नवरात्र उठाने के लिए बनवाया था कि जब भाई मैं नवरात्र उठाऊंगी, नवरात्र 9 दिन का, तो इसी पे माता रानी की स्थापना करूंगी, तो अभी तो नहीं उठा पाई, लेकिन अभी ये चिप्स बनाने के काम आ रही है और पापड़। और उसके बाद कजरी तीज की पूजा करने के बाद, तो ये देखिए यहाँ पर मैं साबुदाने को गर्म पानी में भिगा दी थी, उसके बाद मैंने मिक्सी में पीस लिया है, और अभी यहाँ पे अब मैं इसमें जीरा और नमक डाल के मिक्स करके और अब इसमें का मैं पापड़ बना लूँगी। तो ये देखिए प्लाई वाली चौकी पे मैं डाल रही हूँ, इस पर कोई तेल वगैरह नहीं लगाई हूँ, बड़ी आसानी से ये सब निकल आएंगे। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे इन पे डाल रही हूँ कि ताकि एक दूसरे से टच ना हो, नहीं तो टच हो के बहुत चिपक जाते हैं और बहुत बड़े बड़े से निकलते हैं। तो यहाँ पे मैं डालने के बाद देखती हूँ, अगर इस पे आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो फिर उसके बाद मैं डालूँगी थालियों में। और थाली पे भी नहीं आएगा तब तो देखा जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा भगोना भरा हुआ है और मुझे लग रहा था कि इन सब पे आ जाएगा, मैंने साइड में थाली भी रखी, मेरे पास 6 थालियाँ रखी हुई हैं, लेकिन लग नहीं रहा है कि इन सब पे आएगा। तो यहाँ पे मैंने पॉलीथीन भी मंगवा ली थी और मैंने सिर्फ 3 ही थाली में डाली थी, तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन सब पे नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने सीधा पॉलीथीन पे ही डालना शुरू कर दिया था। पॉलीथीन पे दिक्कत होती ना, कभी कभी पॉलीथीन हवा की वजह से उड़ जाती तो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो यहाँ तीनों साइड में मैंने गमले रख दिए हैं और उसके बाद में अब मैं इन पे डाल रही हूँ। और धूप इतनी तेज लग रही थी कि जिधर ही गाल करो उधर ही इतना ज़ोर से चाटे लग रहे थे धूप के कि मैं क्या बताऊँ आपको, और पूरा मुंह एकदम मेरा लाल पड़ता जा रहा था। मनु कह रही थी मुझे बहुत डर लग रहा है, आपका पूरा फेस लाल होता जा रहा है, कहीं आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं लो। और यहाँ पर मैंने सारी पापड़ बना ली है, तो कुल मिला के मेरे पास 130 पापड़ तैयार हो गई हैं, थाली चौकी और पॉलीथीन ले कर, और सारी की सारी पापड़ मेरी रेडी हो गई है, बस अब इनको सूखना है। और बहुत अच्छी लगती है साबुदाने की पापड़। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई कमेंट रिक्वेस्टेड वीडियो बनवानी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा मेरी वीडियो पर। बाय बाय।